चलिए दोस्तों, तो आज अपन देखते हैं क्रमशः भारत पर ईरानी और यूनानी आक्रमणों का क्या प्रभाव रहा, ईरानी आक्रमण यूनानी आक्रमण क्यों हो रहे हैं, ये आक्रमण कौन कर रहा है, इन सब के बारे में इनसे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में। फैक्ट फैक्ट हैं और जानकारियाँ भी हैं इसमें कि किस प्रकार से उनका प्रभाव भारत पर पड़ रहा है ना, तो इन सबको अपन आज ध्यान देते हैं। ईरानी और यूनानियों का भारत पर क्रमशः आक्रमण, ईरानी का आक्रमण और यूनानियों का आक्रमण। सबसे पहले शुरुआत में देखा जाए तो हम काफी कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसका आक्रमण हो रहा है, तो यूनानियों का ना होके ईरानियों का सर्वप्रथम भारत पर आक्रमण हो रहा है। आक्रमण करने वाले कौन है, अब पहले तो ये समझ लें कि इन्होंने आक्रमण क्यों किया, ऐसी क्या कहानी है कि इनने आक्रमण किया, अब इसको समझते हैं। देखिए ये जो है, ये है मगध, इसके अलावा छोटे छोटे राज्यों में भारत अभी बटा हुआ है। कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो इस समय पे मगध में तो ताकत है, लेकिन मगध भी पूरे भारत को नहीं समेटे हुए हैं। छोटे छोटे राज्य हैं, गणराज्य हैं, और वो आपस में ही लड़ रहे हैं। इसका कहीं ना कहीं फायदा ईरानियों ने उठाया, उनको इसकी जानकारी हो गई। दूसरी बात, ईरान में भी साम्राज्यवादी नीति चल रही है, वो भी युद्ध करने के लिए आ रहे हैं और अपने साम्राज्य को बढ़ा रहे हैं, तो उनका आना और यहाँ पे जो छोटे छोटे गणराज्य हैं, इन लोगों का आपस में लड़ना, दूसरी बात एक ना होना, शक्ति जो है इन लोगों की सबकी बटी हुई है, इस चक्कर में देखा जाए तो ईरानियों का भारत पर आक्रमण होता है। सबसे पहले ईरानियों में देखा जाए तो हकमनी वंश का काफी नाम आता है, इस वंश का नाम आप याद रखना, हकमनी। तो हकमनी वंश के जितने भी शासक हुए वो ही भारत पर आक्रमण कर रहे हैं। तो सबसे पहले हकमनी वंश में अगर देखा जाए तो भारत पर साइरस द्वितीय ने भारत पर सबसे पहले आक्रमण किया, लेकिन इसका जो आक्रमण है वो सफल नहीं हो पाया। आक्रमण कहाँ होता है, पश्चिम उत्तर भारत, देखिए पश्चिम ये है, उत्तर ये है, इन दोनों के बीच की जो दिशा होगी वो पश्चिम उत्तर भारत, तो ये वाला जो क्षेत्र है इसके यहाँ पे अफगानिस्तान है ना, ये पाकिस्तान है, तो इस वाले क्षेत्र में कहीं ना कहीं यहाँ पे ये आक्रमण हो रहा है। लेकिन साइरस जो द्वितीय है उनका आक्रमण सफल नहीं हो पाया। इसके बाद एक दूसरे शासक आते हैं जिनका नाम आता है दारा प्रथम, ठीक। अब इस दारा प्रथम पे आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, देखिए इसको हम डेरियस प्रथम भी कहते हैं, कहीं कहीं इसका नाम दारा सिकब भी आता है, कहीं कहीं इसका नाम आता है दारा व्यू, और ईरानियों में तो इसका नाम आता है डेरियस प्रथम। तो डेरियस प्रथम का जो आक्रमण होता है ये सफल आक्रमण हो जाता है। इस सफल आक्रमण से होता क्या है कि पश्चिम और उत्तर का जो एक काफी बड़ा भूभाग है वो अब दारा के पास में है। दारा शिको जो है वो आगे चल के आएंगे, ये दारा शिको नहीं है, वो अकबर के बाद के शासनकाल की बात है, ये दारा है, दारा नाम इनका है ना, दारा या डेरियस प्रथम। तो इसके बाद इनका जो जो एक कब्जा है वो इस वाले क्षेत्र में काफी हद तक हो गया। अब कब्जा हो जाने के बाद अगर देखा जाए तो ये सफल आक्रमण भी रहा, और इन्होंने यहाँ पे अब ये जो आक्रमण हो गया इसके बाद देखा जाए तो कहीं ना कहीं यूनानी भी हैं जो भारत में आक्रमण की योजना बना रहे हैं। कौन बना रहे हैं, यूनानी भारत में आक्रमण की योजना, वो यहाँ से आ रहे हैं। देखिए ईरान जो है वो भारत के इस तरफ में है, ठीक, और जो यूनानी हैं जो कि एथेंस या ग्रीस से आ रहे हैं वो भी इसी तरफ है, लेकिन वो काफी दूर में हैं, लेकिन वो वहां से घूम के आते हैं और ईरान वाले यहीं से आ जाते हैं। तो ये जो अंतर है इसको आप थोड़ा समझिएगा। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो काफी बड़े भूभाग पे आक्रमण इन्होंने कर दिया। लगभग ईरानियों का जो शासन है वो इस वाले क्षेत्र में 200 वर्षों तक रहा। ये क्वेश्चन आता है, आप ध्यान रखिएगा, कितने वर्षों तक रहा, 200 वर्षों तक ईरानी जो है यहाँ पे शासन कर रहे हैं। फिर यूनान में जब सिकंदर का भारत पे आक्रमण होता है उसके पहले इनका जो संघर्ष है वो यूनानियों से होगा, क्योंकि यूनानी भी आ रहे हैं, उन्होंने देखा कि ईरानियों ने यहाँ पे अपनी जो ताकत है उसको काफी अच्छे से जमा लिया है, यूनानी वहां से आते हैं। तो चूंकि दारा जो तृतीय है, इसके बाद जो दारा तृतीय बनता है उसका कहीं ना कहीं सिकंदर से युद्ध होता है, 3 से 4 बार वो पराजित होता है, और तब से फिर ईरानियों का जो यहाँ पे आधिपत्य है वो अब समाप्त हो जाता है, और अब यहाँ पे जो आधिपत्य आ जाएगा वो यूनानियों का आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ईरानी जो आक्रमण है उसके बाद 200 वर्षों तक रहे। इसका भारत की संस्कृति पर सामाजिक प्रभाव अगर देखा जाए और धार्मिक प्रभाव देखा जाए, इसके अलावा देखा जाए राजनीतिक प्रभाव क्या क्या पड़ा, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इनसे काफी क्वेश्चन आते हैं, समझिएगा। देखिए सबसे पहला तो व्यापार बढ़ा। व्यापार क्यों बढ़ेगा, क्योंकि ये जहां से आ रहे हैं तो उन्होंने स्थल मार्ग की खोज की, और उस स्थल मार्ग की वजह से जो शिल्पी हैं या जो व्यापारी हैं अब वो यहाँ से प्रत्यक्ष रूप से व्यापार कर सकते हैं। इसके अलावा देखा जाए तो ईरानियों ने एक नाम दिया सिंधु को हिंद, क्या नाम दिया, हिंद। हिंद देखिए ये कोई जाति वर्ड शब्द नहीं है, चूंकि यहां है सिंधु नदी,
ईरान जो फारस है वहां पे जो हा है जो सा है उसको बोलते हैं हा, जैसे ये सिंध है तो ये जो सा है इसकी जो ध्वनि निकलती है वो निकलती है हा। तो यहीं से हिंदू शब्द आया जो बाद में आगे चल के भारत का मध्यकालीन जो इतिहास होगा वहां इसका नाम हिंदुस्तान पड़ जाता है, यहाँ के लोग हिंदू बन जाते हैं मतलब हिंदू नाम से संबोधित किए जाते हैं, इस प्रकार से इन्होंने ये नाम दिया। एक और बात आती है, आपने नाम सुना होगा खरोष्टी लिपि, खरोष्टी लिपि। इस खरोष्टी लिपि के बारे में देख लिया जाए, ईरानी लोग जब वहां से आ रहे हैं तो एक लिपि लेके आ रहे हैं जिसका नाम है आरमाइक। इनका आपको पूरा वर्णन मिलेगा जब अपन अशोक पे आएंगे, तो अशोक के शिलालेखों में जो हमें उसके शिलालेख मिले हैं उनकी अगर भाषा को देख लिया जाए या उनकी लिपि देख लिया जाए तो आरमाइक लिपि है, खरोष्टी लिपि है, ब्राह्मी लिपि है ना, इस प्रकार से लिपि है। तो उनमें एक शब्द आता है खरोष्टी लिपि। तो ये खरोष्टी लिपि जो है वो भारत और ईरान से जो आई हुई आरमाइक लिपि है उसी का कहीं ना कहीं रूप है। ये भी फारसी के समान दाई से बाई ओर लिखी जाती है, मतलब यहाँ से यहाँ की तरफ लिखी जाती है। तो इस प्रकार आपसे क्वेश्चन आ सकता है, तो आप लिख दीजिए, आप बता दीजिएगा कि खरोष्टी लिपि आई वहां से, है ना। इसके अलावा देखा जाए तो मौर्यकालीन संस्कृति भी प्रभावित हुई, मौर्यकालीन जो संस्कृति है, क्योंकि जब 200 वर्षों तक यहाँ पे शासन हो रहा है तो 200 वर्षों के शासन में हम देखते हैं कि मौर्य जो साम्राज्य वो भी आएगा, और ईरानी काफी हद तक यहाँ पर रहे, भले उनका राज्य समाप्त हो गया हो लेकिन वो रहे तो यहाँ पे। इस प्रकार से मौर्य जो संस्कृति है उसमें हम जो मूर्तियां बन रही हैं, बुद्ध की मूर्ति है, गंधार कला है, तो इन पे कहीं ना कहीं हमें उसका प्रभाव देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से ईरानी यहाँ पे समाप्त होते हैं। ईरानियों के बाद आते हैं अपन यूनानियों पे। तो यूनानियों पे आप जानते हो सबसे पहला ही नाम है उनका सिकंदर, और शब्द के पीछे भी लगा हुआ है महान। थोड़ा सिकंदर के बारे में देख लिया जाए, सिकंदर से बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो सिकंदर के जो क्वेश्चन है उन पर अपन ध्यान देंगे, ठीक। तो सिकंदर को महान भी कहा जाता है। सिकंदर जो है वो दरअसल मैसोडोनिया नाम सुना है आपने, मैसोडोनिया, उसको ग्रीस भी कह दिया जाता है। तो ग्रीस, यूनान, मैसोडोनिया ये सब वहीं के, जहाँ की राजधानी जो है इस समय पे एथेंस है ना। और तो ये यहाँ के शासक हुए, इनके पिताजी का नाम था फिलिप, फिलिप 359 ईसा पूर्व में मैसोडोनिया के शासक बनते हैं ये फिलिप। कुछ समय के बाद फिलिप की हत्या कर दी जाती है, जो कि फिलिप की हत्या होगी तो पुत्र गद्दी पर बैठेगा, तब सिकंदर जो है वो गद्दी पर बैठता है। सिकंदर बहुत ही महत्वाकांक्षी शासक है, जो कि सिर्फ इसलिए बाहर गया कि उसको देशों को जीतना है। सिकंदर के बारे में समझ लीजिए, देखिए ये जो शासक है लूट खसोट करने वाला शासक नहीं है, हाँ, लेकिन अगर किसी राजा के प्रति इसकी जो जो अगर अपन देखेंगे अभी आगे अपन समझेंगे, विचारधारा है वो उदारता पूर्वक भी है, और देखा जाए तो इसने कई देशों को और राज्यों को विजित किया और अपने साम्राज्य में मिलाया। जब ये विश्व अभियान के उसमें निकलता है तो जिसमें जब भारत पर ये आता है, शुरुआत इसने अपने वहां से की, लगभग 10 वर्ष का इसका जो विजय अभियान है वो चल रहा है। तो 10 वर्ष के अंतिम समय में अगर देखा जाए तो जब वो भारत पर आक्रमण करने की सोचता है, तो भारत से पहले उसको सबसे पहले अगर देखा जाए तो सबसे पहले उसको भारत में काबुल की ओर से आएगा, क्योंकि वो जब आ रहा है भारत में तो खैबर दर्रा, इस दर्रे को उसने पार किया, और ये कहाँ पे है, हिंदू कुश पर्वत पर। कहाँ पे, हिंदू कुश। तो याद रखना किस दर्रे से आया, खैबर दर्रे से आया। वो पर्वत कौन सा था, हिंदू कुश पर्वत था, हिंदू कुश, हिंदू कुश पर्वत। तो हिंदू कुश पर्वत में खैबर दर्रे के माध्यम से ही आता है। तो सबसे पहली शुरुआत में देखा जाए तो उसको काबुल मिलेगा। तो काबुल में जाने के बाद इसका सबसे पहला जो संघर्ष होता है वो होता है तक्षशिला के अम्बिसे। इसके दो संघर्ष भारत में हुए, दोनों ही महत्वपूर्ण है। हालांकि पहले वाले संघर्ष में इसको आसानी से सफलता मिल जाती है, दूसरे वाले संघर्ष में इसको प्रयास करना पड़ता है। तो जब हम पहला संघर्ष देखते हैं, प्रथम युद्ध, तो तक्षशिला जो है इसका शासक है अम्बी, अम्बी, इससे इसका युद्ध होता है। युद्ध क्या होता है, अम्बी इसके पहले ही घुटने टेक देता है। जब वो देखता है सिकंदर की इतनी विशाल सेना, तो वो पहले ही घुटने टेक देता है। तो सिकंदर इस वाले राज्य को आराम से मिला लेगा, इस राज्य को लूटा का छोटा। इसके बाद यहाँ की जो धन संपत्ति थी वो अपने साम्राज्य को बढ़ाने में लगा दी। इसके बाद और तैयारी करता है। 5 महीने के बाद ये जो क्षेत्र है आप देख रहे हैं, ऊपर है झेलम नदी, ये देखिए ये झेलम और ये है चिन्नाब, इन दोनों के बीच में ये एक राज्य है जिसका राजा है पोरस। इस पोरस के साथ युद्ध होता है और पोरस सफलता पूर्वक युद्ध करता है, लेकिन वो हार जाता है। पोरस इस लड़ाई में विजयी नहीं हो पाते, हार जाते हैं। इस युद्ध का जो नाम है वो देखा जाए तो
तो इस युद्ध को हम झेलम का युद्ध भी कहते हैं क्योंकि झेलम के किनारे है। इस युद्ध पे ध्यान दीजिएगा, झेलम, बितिस्तान, या इसको बोलते हैं हाइडे स्पीच, हाइडे स्पीच, वितिस्ता। इसको तीन नदियों के नाम के आधार पे है और याद आए तो कंफ्यूज नहीं होना आप लोग। तो इस प्रकार से हाइड स्पीच का युद्ध होता है। फिर पोरस यहाँ पे हारते हैं। हार जाने के बाद पोरस से सिकंदर पूछता है, आप हार तो गई हैं, बताइए आपके साथ अब क्या व्यवहार किया जाए। तो पोरस बड़ी बहादुरी के साथ बोलते हैं जो एक राजा का राजा के साथ करना चाहिए। तो इसके बाद जो सिकंदर है इनकी बहादुरी से काफी खुश होता है और इनको इनका राज्य दे देता है। हालांकि राज्य उन्हीं के अधीन में है लेकिन राजा को दे दिया कि आप इस राज्य को चलाइए। इस प्रकार हम देखते हैं कि सिकंदर के पीछे अगर महान लिखा हुआ है तो कहीं ना कहीं उसकी उदारवादी नीति है। सिकंदर के बारे में और जान लेते हैं। सिकंदर जो है इसके जो गुरु थे वो थे अरस्तु। ये भी क्वेश्चन आ जाता है, अरस्तु। अब अगर पूछ ले अरस्तु के गुरु कौन थे तो उनके गुरु थे प्लूटो। अरस्तु का आपने नाम सुना होगा, इन्हें जीव विज्ञान का पिता भी कहा जाता है ना, इन्हीं को अरस्तु को। और ये किसके गुरु हैं? सिकंदर के। सिकंदर के बारे में एक कहानी और है। सिकंदर को भौगोलिक जो स्थितियां हैं या प्राकृतिक वातावरण है ये बहुत पसंद है, भूगोल को जानना, समझना, प्रकृति को समझना, ये सब। तो सिकंदर का भारत में अगर आक्रमण देखें तो इसकी एक वजह ये भी होती है, कहीं ना कहीं वो यहाँ के जो ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं, यहाँ की जो आबो हवा है, इससे भी काफी प्रभावित होता है। फिर जब इसका पोरस के बाद युद्ध होता है तो ये अपने साम्राज्य को और बढ़ाने की कोशिश करता है, लेकिन यहीं पे एक नदी आ जाती है जो है व्यास। इस व्यास नदी पे आने के बाद इसके जो सैनिक हैं, चूंकि 10 वर्ष से वो युद्ध कर रहे हैं, अपने घर भी नहीं गए हैं, और व्यास नदी के पाट को देखते हैं। जब उस पाट को देखते हैं तब वो ये बोल देते हैं कि हम इस नदी को पार नहीं करेंगे और नदी पार करने से मना कर देते हैं। सिकंदर उनमें बहुत उत्साह भरने की कोशिश करता है कि नहीं, आपको लड़ना है, आप नहीं लड़ेंगे तो राजा कैसे लड़ेगा, लेकिन वो नहीं मानते हैं। वो इच्छा व्यक्त करते हैं कि अब हमको घर चलना चाहिए। इस प्रकार से सिकंदर कहीं ना कहीं यहीं तक आता है, पर व्यास नदी के बाद फिर बाहर नहीं जाता और सिकंदर यहीं से लौटने का प्रयास करता है। लौटने में भी उसने कई राज्य जीते। अब यहाँ से आने के बाद जब वो लौटने का प्रयास करता है तो यहाँ भी उसने कई राज्य जीते। अब लौटने के बाद बेबीलोन में 323 ईसा पूर्व, लगभग 323 ईसा पूर्व में उसकी मृत्यु हो जाती है। बताते हैं इसकी मृत्यु, याद रखिएगा, देखिए उनके सनों पे थोड़ा ध्यान रखिए। सिकंदर से सन ज्यादा आते हैं और सन इतने ज्यादा है नहीं, इसलिए कमी सन है, 326 है ना, 323 है, इस प्रकार से जो है इसके सन आते हैं। तो अगर देखा जाए तो अब सिकंदर के जो आक्रमण भारत में है इसका एक महत्वपूर्ण ये भी है कि सिकंदर का जब आक्रमण हो रहा है तो इसके साथ में लेखक आ रहे हैं कई, जो कि मैंने आपको पहले बताया था, ऑस्टिबुलेस और नियारकर्स, ऑर्नेस्टिक और ऑस्टिबुलेस, ये जो तीन लेखक आ रहे हैं, इन लेखकों ने तिथि के साथ सिकंदर के आक्रमण का उल्लेख किया है, उसके लौटने का उल्लेख किया है, तभी हम ये बता पा रहे हैं कि इसने 19 महीने तक शासन किया, ये सब किया। तो इसके आधार पर भारतीय इतिहास को समझने में हमको काफी जानकारी मिलती है। तो इस प्रकार अगर देखा जाए तो सिकंदर जो है यहाँ से लौट के जाते हैं, बेबीलोन जाते समय उनकी मृत्यु हो जाती है। बताते हैं कि उनके साथ में उनके कई सैनिकों की भी मृत्यु होती है, क्योंकि भारत में जब वो आक्रमण कर रहे हैं तो यहाँ की जो हवा है वो गर्म प्रदेश है, चूंकि भारत जहाँ से भी आ रहे हैं उसकी अपेक्षा गर्म प्रदेश है, यहाँ की जलवायु उनके लिए नहीं हो पाई। कुछ ये बोलते हैं कि मलेरिया से खत्म हो गए, ऐसी भी कुछ कहानियां हैं जहाँ बताया जाता है कि सिकंदर की जो मृत्यु है वो मलेरिया से हो गई। तो कई उसमें भी आया हुआ है ये क्वेश्चन, तो आप देखिएगा मलेरिया से हो जाती है उनकी मृत्यु, है ना। अब तो खैर मलेरिया का काफी इलाज है, आप जानते हैं, है ना। इसके अलावा देखा जाए तो जब सिकंदर यहाँ से लौट रहा है, देखिए सिकंदर का भारत में आक्रमण से बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा। एक तो इसने 4 दर्रे खोजे, 4 दर्रों से क्या हुआ, यूनान का और भारत का जो व्यापार है वो जो पहले अप्रत्यक्ष होता था वो अब प्रत्यक्ष होने लगा। अब डायरेक्ट यहाँ का बंदा वहां जाएगा, समझ रहे ना, शिल्पी और व्यापारियों के लिए काफी ज्यादा जो रास्ता है वो सुगम हो गया। इसके अलावा देखा जाए तो उसने अपने कुछ सैनिक जो सेनापति वगैरह थे उनके लिए भी कुछ कार्य सौंप कर वो यहाँ से गया था। उसकी एक सेनापति का नाम आता है नियारकस, नियारकस, ये इसका जल सेनापति था, नियारकस। क्वेश्चन आ जाए नियारकस कौन था, सिकंदर का जल सेनापति था। एक बात और जो मैं थोड़ा बताना भूली आपको, सिकंदर का एक और नाम आता है अलेक्जेंडर, इसको यूनान की भाषा में बोलते हैं अलेक्जेंडर। अलेक्जेंडर अगर आप YouTube पे सर्च करेंगे तो इससे संबंधित काफी मूवियां मिलेंगी, है ना, जो कि हमारा उत्साह वर्धन करती हैं
उसके विजय अभियान के दौरान हुई पूरी जो घटनाएं हैं वो उसमें व्यक्त होती हैं। हिंदी की मूवीज की बहुत ही कम है, शायद एक या दो ही है बस। तो ये जो नियारकस है ये जल सेनापति बना, और इस नियारकस को चूंकि मैंने बताया कि ये भौगोलिक जो वस्तुएं हैं या भौगोलिक जो जो भी हैं उनसे बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ करता था, भूगोल हुआ या प्राकृतिक चीजें, इनसे सिकंदर बहुत प्रभावित था। तो उसने नियारकस को आदेश दिया, उसने आदेश दिया कि आप जाइए और जो सिंधु नदी का मुहाना है, जब उसने इस मुहाने को देखा, अर्थात ये मुहाना कहाँ जाएगा, समुद्र में मिलेगा, इस मुहाने को देखने के बाद वो समुद्र से काफी ज्यादा प्रभावित हुआ। हालांकि इसके पहले वो कैस्पियन सागर देख चुका है, लेकिन इस समुद्र में जब उसने जल को देखा, जल के स्तर को देखा, जल की लहरों को देखा, तो उससे काफी प्रभावित हुआ। तो उसने अपने नियारकस से कहा कि आप यहाँ से जाइए और फरात नदी, जो कि आपने सुना होगा तुर्की में है, फरात और दजला है ना, दजला को अपन टाइग्रिस भी बोलते हैं, तो जो फरात नदी है वहां के मुहाने तक को आप देख के आइए, जो कि फारस की खाड़ी में गिरती है। अब वो इसके आगे की है जो कि नक्शा बना नहीं है, लेकिन आप जानते होंगे, आप मैप उठा के देख लीजिएगा, अपन गूगल के चैप्टर में उसको पढ़ेंगे। अभी यहाँ इतना याद रखिए कि जो फारस की खाड़ी में गिरती फारस, उस नदी तक आप जाइए, वहां के बंदरगाहों को देख के आइए, समझ के आइए क्या है क्या नहीं है। तो इस प्रकार वो नियारकस को जल सेनापति नियुक्त करता है और यहाँ से लौट जाता है। हालांकि लौटते समय उसने काफी सारे जो देश, जो यहाँ पे छोटे छोटे राज्य हैं उनको पराजित किया। इसके अलावा वो अपना जो इतना पूरा क्षेत्र उसने जीता हुआ है, वो अपने सेनापति सेलुकस निकेटर और दो जनों को और दे दिया जाता है। सेलुकस निकेटर, इसका नाम इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हम जब अभी इसके बाद मौर्य शासन पढ़ेंगे, तो मौर्य शासन में चंद्रगुप्त का युद्ध इसी सेलुकस निकेटर से होगा, जो अपन आगे पढ़ेंगे। तो ये अपना जो विजित प्रदेश है इनको सेलुकस निकेटर को देते हुए चला जाता है फिर। हालांकि यहाँ पे अब जो इतना क्षेत्र है, अब आप समझिएगा पहले किसका आक्रमण था, यूनानियों का। जब हम मौर्य उत्तर काल पे आएंगे तब हम एक शब्द का उपयोग करेंगे जिसको कहेंगे इंडो यूनानी, इंडो यूनानी, क्योंकि अभी तो ये यूनानी थे डायरेक्ट आक्रमण कर रहे हैं, अब यहाँ रहने लगे हैं, इसलिए इनका नाम हो गया इंडो यूनानी, मतलब इंडिया के भी हैं और यूनानी भी हैं। फिर यही चल के आगे जो है वो सिक्के वगैरह चलाते हैं, इसलिए कन्फ्यूज नहीं होना यूनानियों ने चलाया या इंडो यूनानियों ने, तो इंडो यूनानी उसमें लगा दीजिएगा। हालांकि सिक्के इनके समय में आ रहे हैं, भारत में उनका चलन नहीं हो पा रहा है। खुद सोचिए 19 महीने तक अगर वो रह रहा है सिकंदर, तो उस समय पे कहाँ सिक्के वगैरह, वो तो अपना जितना भी था तो लूट खसोट वगैरह ये सब करता था, है ना। तो इसका प्रभाव क्या पड़ा सिकंदर का भारत में, भारत में सिकंदर का प्रभाव यही, एक तो व्यापार अच्छे से होने लगा, दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि सिकंदर के आक्रमण और यूनानी आक्रमण के एक प्रभाव बहुत अच्छा पड़ता है, जिसके उत्तर में हमें मगध साम्राज्य सुदृढ़ होता दिखता है। कि मगध साम्राज्य हो चाहे छोटे छोटे गणराज्य, चाहे वैशाली की लिच्छवी हो, चाहे वत्सनगर हो, चाहे अवंती राज्य हो, ये एक बात को समझ गए कि अगर हम एकजुट नहीं होंगे या फिर अपनी शक्ति को नहीं बढ़ाएंगे तो इसी प्रकार भारत जो बाहर के लोग हैं वो हम पर आक्रमण करते रहेंगे। तो एक ये वाली सोच कि कहीं ना कहीं हमें एक होना चाहिए इस समय पर आई। दूसरी, भारत के अंदर भी ऐसे राज्य हैं या भारत के अंदर भी इस समय ऐसे शासक हैं या ऐसे शासक बनेंगे, क्योंकि इनका जब आक्रमण हो रहा है तब धनानंद है, वो ऐसा शासक है नहीं, लेकिन इसके बाद जो कि चंद्रगुप्त मौर्य आते हैं तब उनके दिमाग में एक बात घर कर गई कि अब हमको भी साम्राज्यवादी बनना है, हम भी अपनी सीमाओं को बढ़ाएंगे। और निश्चित रूप से हम देखते हैं काफी यहाँ पे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, वहां पे आगे दूर तक, काफी दूर तक मौर्य साम्राज्य फैल जाता है। अशोक के शासन काल में ही चरमोत्कर्ष पर रहता है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो यूनानी और जो ईरानी है, इन लोगों के आक्रमण का क्या प्रभाव था, इनसे संबंधित कितने क्वेश्चन थे, है ना। देखिए इन एक बार और बता देता हूँ, 325 में भारत से लौट रहा है, 326 में मृत्यु हो रही है बेबीलोन में, है ना, 19 महीने भारत में रहा। तो इन जो छोटी छोटी चीजें हैं इनको याद रखिए, क्वेश्चन इन्हीं से आते हैं और ये बहुत सरल है, ये सभी लोगों को आते हैं ये क्वेश्चन, जो भी पढ़ने वाले होंगे ये। इस बात को मैं फिर से बता रहा हूँ, समझिए अगर 4 लाख लड़के फॉर्म भर रहे हैं तो आप समझ के चलिए आपका 10,000 में ही फाइट है, आपकी 10,000 में ही फाइट है। और ये जो 10,000 हैं, इन 10,000 को ये सब बातें आती हैं, इसीलिए आपको भी ये 10 बातें जो हैं वो आनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको ये बातें नहीं आएंगी तो आप इनसे पीछे हट जाएंगे। और जो 20 नंबर का क्वेश्चन आता है ना, जो बहुत कठिन है, जो बहुत ज़्यादा कठिन है, वो उनको भी नहीं आते और आपको भी नहीं आते, क्योंकि उनको ये वाले आते हैं क्वेश्चन, इसलिए वो निकल जाएंगे। इसलिए इस बात पे विशेष ध्यान रखिएगा, है ना, कि ये छोटे छोटे जो देखिए हिंदू कुछ पर्वत से आ रहा है वो, है ना, काफी सारी बातें हैं इसमें, है ना। अच्छा, ईरान के बारे में थोड़ा और सुन लिया जाए। ईरान के भी इस समय जो राष्ट्रपति वो हकामी रब्बानी है। ईरान जो है इसका पुराना नाम था फारस या पारस होता क्या है, इसका पुराना नाम तो था पारस,
लेकिन जब इस पर मुसलमानों का बाहुल्य आने लगा तो अरबी भाषा में पावर्ण होता ही नहीं है, पावर्ण अरबी भाषा में नहीं है, ये अरबी भाषा में नहीं है, उसमें होता है फा। आपने सुना होगा, हिंदी में देखे होंगे सब दिन के, इसके नीचे एक नुक्ता लगा होता है, फा, फा बोलते हैं उसको। इसी प्रकार जा, इसके नीचे भी नुक्ता लगा होता है, तो वो पारस को फारस बोलने लगे। कुछ समय तक तो इसका नाम फारस ही रहा, लेकिन 1935 में इसका नाम बदल कर ईरान कर दिया गया। और ये सिया बाहुल्य क्षेत्र है, आपको पता है इस्लाम में दो होते हैं, सिया और सुन्नी, ये दो में दो धर्मों बैठा हुआ होता है, सिया और सुन्नी, होते ही एक ही है, बस दोनों की जो मान्यताएं हैं वो थोड़ी थोड़ी अलग है। तो अपन इस्लाम धर्म पे आएंगे तो इसको समझेंगे। तो इस प्रकार से सिया और सुन्नी, तो ये जो सिया बाहुल्य क्षेत्र है, यहाँ के अपने राष्ट्रपति जो है उनको देखा, हकीम रब्बानी करके हैं। देखिए, जब भी तैयारी करें तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि ऐसा नहीं कि अगर मैं इतिहास पढ़ रहा हूँ तो बस इतिहास से ही संबंधित है, उसकी आधुनिक बातों को भी ध्यान देने की कोशिश करें, क्योंकि तैयारी खाली ऊर्ध्वाधर होने से कुछ नहीं होगा। ऊर्ध्वाधर का मतलब एक एक ऐसी लाइन विस्तृत होनी चाहिए, क्षैतिज ऊर्ध्वाधर दोनों मिला के होनी चाहिए। जैसे अगर मैंने ईरान को पढ़ा, ईरान तो उसको, ईरान को आप देखें, सर्च करें, आपकी किताबें हैं उसमें देख लें पूरे ईरान को कि कहाँ से इसमें क्या हो रहा है, आज ईरान क्या है, ये सब चीजें। इसी प्रकार आप चाहे यूनान को देख लें, पहले क्या कहा जाता था इसको, अभी क्या कहा जाता है ना, तो इन सब बातों पर अगर आप ध्यान देंगे तो जो तैयारी है वो काफी अच्छी हो जाती है। जैसे मैंने हिंदू कुश पर्वत बोला आपसे, है ना, खैबर दर्रा बोला, तो आप इसके आसपास के दर्रों की भी और जानकारी ले लें। तो इस प्रकार से तैयारी करने में हमें काफी कुछ जो है तो हमें जानकारी मिलती जाती है, तैयारी अच्छी होती है। ठीक है दोस्तों, अब अपन इसके बाद देखेंगे मौर्य साम्राज्य का उदय। मौर्य साम्राज्य, देखिए ये जो है, ये छोटे छोटे वीडियो, अब जब मौर्य साम्राज्य आएगा तो लगभग मैं दो वीडियो में बन पाएगा, क्योंकि काफी बड़ा है, तो उसमें अशोक में ही एक पूरा वीडियो चला जाएगा, और बाकी मौर्य में अगर देखा जाए तो बाकी तो अपन देखेंगे, और उसके प्रशासन में तो काफी बड़ा है मौर्य साम्राज्य। ठीक,